Hello everyone, let's discuss a question of class 12 biology from the first chapter, reproduction in lower and higher plants. ये जो पूरा explanation होगा वो हिंदी में होगा. So question है, explain the stages involved in the maturation of microspore into male gametophyte. Let's break the question in parts. हमें क्या explain करना है? Stages explain करना है, जो किसके लिए involved है? Maturation के लिए. किसके मैच्योरेशन के लिए? माइक्रोस्पोर, जिसको हम लोग पोलन ग्रेन भी कहते हैं, इनटू डैश इनटू मेल गैमेटोफाइट. सो पहले तो पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं. दिस मार्क्स द बिगनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट. मार्क्स द बिगनिंग मतलब क्या? कि मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को स्टार्ट करता है या इनिशिएट करता है. इसीलिए हम पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर को क्या कहेंगे? फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं. सो पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर इज डैश, इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट. नाउ रिमेंबर, मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के लिए दो माइटोटिक डिविजन्स इन्वॉल्व होते हैं. ओके, तो इन जनरल माइटोटिक डिविजन क्या होता है? जहां पे पेरेंट सेल जो है ये दो डॉटर सेल्स में ब्रेक होगा, और यहाँ पे क्रोमोसोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? इक्वल है. जितना पेरेंट सेल के पास है उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स के पास भी होते हैं, इसलिए इस डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं. यहाँ पे जो पहला माइटोटिक डिवीजन है वो कौन कर रहा है? वो पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर कर रहा है. सो पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर आगे जाके दो सेल्स में डिवाइड होंगे, जिसमें जो बड़ा वाला है द बिगर एंड द नेकेड. नेकेड का मतलब होता है जो एक्सपोज्ड है. तो जो बड़ा सेल है जो एक्सपोज्ड है उसको हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल. और दूसरा जो छोटा वाला है, थिन वॉल्ड है, द स्मॉल एंड थिन वॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? जेनरेटिव सेल. सो अगेन हम क्या कह रहे थे? पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर यहाँ पे पहला माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करेगा, और आगे जाके एक बड़े That is bigger and naked vegetative cell में and smaller and thin walled generative cell में divide होगा. अब vegetative cell कैसा है? It is rich in food and इसके पास जो nucleus होता है वो कैसा है? वो irregularly shaped होता है. और जो generative cell है ये क्या कर रहा है? ये vegetative cell के cytoplasm में float होता है. तो generative cell vegetative cell के ही cytoplasm में फ्लोट हो रहा है. ये तो बात होगी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन की. सेकेंड माइटोटिक डिवीजन कहाँ होता है? द सेकेंड माइटोटिक डिवीजन इज ओनली कंसर्न्ड विद द जेनरेटिव सेल. तो याद रखना है कि सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में वेजिटेटिव सेल पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है? सिर्फ जेनरेटिव सेल ही वो परफॉर्म करता है. ये आगे जाकर क्या करेगा? दो गैमिट्स में डिवाइड होगा. कौन से गैमिट्स में? दो मेल गैमिट्स में डिवाइड होगा. और ये मेल गैमिट कैसा होगा? नॉन मोटाइल होगा. मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, और नॉन मोटिलिटी मीन्स यहाँ पे ये मूव नहीं करेगा. सो आई होप ये चीज क्लियर है. हम क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं. मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के लिए दो माइटोटिक डिवीजन होता है. पहला माइटोटिक डिवीजन पोलन ग्रेन परफॉर्म करता है, जहां पे ये किस में डिवाइड होगा? एक वेजिटेटिव सेल में, और दूसरे जेनरेटिव सेल में डिवाइड होगा. सेकेंड माइटोटिक डिवीजन कौन करेगा? वेजिटेटिव सेल का कोई रोल नहीं है इसमें, ये सिर्फ जेनरेटिव सेल परफॉर्म करता है, जो आगे जाके दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट में ब्रेक होगा. अब ये जो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन है ये दो जगह में हो सकते हैं. ये या तो विद इन द माइक्रोस्पोर हो सकता है, या तो पोलन ट्यूब के अंदर हो सकता है. तो जैसे हम यहाँ पे डायग्राम में क्लियरली विजिबल है कि ये जेनरेटिव सेल आगे जाके दो सेल में डिवाइड होगा. तो पहले कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है. तो ये या तो माइक्रोस्पोर के अंदर हो सकता है, या तो पोलन ट्यूब के अंदर हो सकता है. अब क्वेश्चन ये है कि एंथर जो है, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ये कौन से स्टेज पर पोलन को रिलीज करेंगे? तो याद रखना कि पोलन ग्रेन्स आर शेड और रिलीज फ्रॉम द एंथर एट दिस टू सेल्ड स्टेज इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स. तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स के केस में
एंथर कब पोलन ग्रेन को रिलीज करता है? इसे टू सेल्ड स्टेज में रिलीज करता है। टू सेल्ड स्टेज का मतलब है जब जेनरेटिव सेल सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में आगे जाके दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट बनाएगा। सिंपल टर्म में जब जेनरेटिव सेल आगे जाकर दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट बनाएगा, ओके, इस स्टेज में क्या होता है? पोलन ग्रेन रिलीज होता है। आई होप ये जो सोल्यूशन है वो क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, तो डायग्राम के साथ जब हम पढ़ेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो विल एंड द सेशन। थैंक यू।